Hello, students. Welcome to GPS online English classes. Hope you are healthy and in high spirits. Students, we are on lesson number three who did Alan's homework? We are going to complete the textbook exercise today. So, get a pencil or a pen and get ready to note down the answers also. Okay, so we are

एक एल्फ होता है जिसको वो बिल्ली से छीन लेता है उससे अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए एक विश मिल जाती है उसको विश पूरी हो जाती है तो एल्फ रेडी हो जाता है उसका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए जबकि उसको शुरू में अच्छा नहीं लगता एल्फ को राइट एल्फ और एलन दोनों मिलकर होमवर्क कंप्लीट करते हैं क्योंकि एल्फ़ को जो एलन के सब्जेक्ट्स थे उसमें से कुछ चीज़ें पता ही नहीं थीं क्योंकि एल्फ तो आउटसाइड द वर्ल्ड से आया था और यहाँ पर अर्थ की चीज़ों के बारे में उसको पता ही नहीं था तो एलन को उसकी हेल्प करनी पड़ी थी उसको डिक्शनरी में से रीड आउट करना पड़ा मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज और एडिशन अप्रैक्शन बताने पड़े लेकिन उन दोनों ने उस काम को कंप्लीट कर लिया और उसका बहुत अच्छा वर्क हुआ उसके एक ग्रेड्स आए स्कूल में ये इसलिए हो गया क्योंकि एलिन रोज़ाना रेगुलरली अपनी स्टडीज़ में इंटरेस्ट लेने लगा और उसको भी बहुत अच्छा पढ़ना आ गया समझना आ गया और वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो गया ऑलराइट तो फिर लास्ट में एल्फ जब होमवर्क कंप्लीट कर लेता है उसके बाद एल्फ चुपचाप वहाँ से मूव आउट कर जाता है निकल जाता है सो दैट वॉज स्टोरी इन शॉर्ट तो चलिए अब हम इन आंसर्स को लेते हैं लेट इज लुक एट द क्वेश्चन नंबर वन विच इज ए वट विश एलन की विश क्या थी वॉट वॉज द एल्व रिएक्शन टू हिज विश क्वेश्चन आता है कि एल्फ का क्या रिएक्शन था जब एलेन ने विश मांगी तो उसका क्या असर पड़ा एल्फ के ऊपर ऑल राइट नाउ आई विल टेक यू टू द पेज ऑन विच यू विल फाइंड द आंसर हियर वी ऑल राइट सो दिस इज योर लेसन नंबर थ्री एंड द आंसर्स सो द फर्स्ट वन फर्स्ट आंसर देखिए एलन एंड एलन ने विश किया मतलब अपनी विश मांगी दैट द एल्फ की जो एल्फ है शुड डू हिज वर्क वो उसका होमवर्क करे टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर जो उसका सेमेस्टर है जैसे यहाँ टर्म होती है ना आपके स्कूल में टर्म वन या टर्म टू तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे उसने टर्म वन या टर्म टू में से किसी चीज़ का भी होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहा कि जब तक वो टर्म ख़त्म ना हो जाए उसके बाद ये आ, सेंटेंस के बाद मैंने इसको डिलीट किया हुआ है मतलब मैंने काटा हुआ है तो सिंगल लाइन से हम किसी भी मिस्टेक के हो जाने पर उसे हम काट देते हैं नॉर्मली बच्चे इसको बहुत इसके ऊपर इंक को चलाकर और इसको गोल गोल घुमाकर इसको बिल्कुल बना देते हैं तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है ओके बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ का अगर आपको कटिंग करनी पड़ती है अपनी टेक्स्ट बुक में इंग्लिश में तो आप जिस वर्ड को जो गलत हो गया उसको आप एक एक ही लाइन से एक बार काटेंगे बस तीन चार बार उस पर क्रॉस नहीं लगाएंगे सिर्फ सिंगल लाइन से काटेंगे सीधा जैसे मैंने बिल्कुल और ध्यान से देख लीजिए जैसे मैंने इसको काटा हुआ है ऑलराइट right, अब हम इसको करेक्शन जो हमारी है उसके बाद हम ले सकते हैं तो देखिए द एल्फ वॉज नॉट हैप्पी एल्फ जो था वो खुश नहीं था द एल्फ वॉज नॉट हैप्पी बट अग्रीड टू डू इट लेकिन वो राजी हो गया इसको लिखने के लिए अग्रीड right? का मतलब तैयार हो गया मान गया सहमत हो गया ठीक है तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं समझ गए होंगे आप आंसर नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर टू विच इज़ बी इन वॉट वेज किस किस तरह से डिट बोथ एलन एंड द लिटल मैन नीड हेल्प किस किस तरह से वो छोटा एल्फ जिसको हम द लिटिल मैन बोल रहे हैं और एलन इन दोनों को मदद की ज़रूरत पड़ी दोनों को ही मदद की यानी हेल्प सहायता की ज़रूरत पड़ी वो हमने बताना है कैसे अभी हम देखते हैं इसको एल एन वॉन्टेड आंसर नंबर टू मैंने यहाँ पर ए टू यानी आंसर टू लिख दिया है वहाँ पर बी है बुक के अंदर एल एन वॉन्टेड द एल्फ हेल्प एल एन चाहता था एल्फ की मदद को टू हेल्प टू हेल्प हिम मतलब वो उसकी मदद करे कैसे गेट ए ग्रेड्स हेल्प के बाद आप टू भी लिख सकते हो जैसे हेल्प टू हेल्प टू हिम टू गेट भी लिख सकते हो मतलब गेट से पहले आप टू भी लिख सकते हैं और बिना टू के भी ये ठीक है आई रिपीट द आंसर एलेन वॉन्टेड द एल्फ्स हेल्प एल एन चाहता था कि एल्फ उसकी हेल्प करे ओके टू हिम उसकी हेल्प करे टू गेट ए ग्रेड्स ए ग्रेड्स को पाने के लिए ए ग्रेड्स का मतलब हाईएस्ट मार्क्स क्लास में द एल्फ़ वांटेड और एल्फ को क्या चाहिए था एल्फ वांटेड एलन टू गाइड हिम एल्फ को चाहिए था हेल्प क्या चाहिए थी एल्फ को कि एलन उसकी हेल्प करे गाइड करके उसको गाइड का मतलब क्या होता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं मुझे कैसे करना है और राइट right. कैसे अलग अलग लाइन्स में लिखना है अगर मैथ्स है तो अगर वो इंग्लिश या और कोई सब्जेक्ट है सोशल साइंस या हिंदी तो हमें एक ही लाइन में कंटिन्यू करके लिखना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी ही हेल्प चाहिए होगी तो दोनों की हेल्प से ही वो अच्छा हो गया ठीक है तो इस आंसर को आप देख सकते हैं इसको जूम ज़ूम करके आप इस आंसर को देख सकते हैं नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन और सो हेअर वी हैव इट हाउ डिड एलन हेल्प एलन ने कैसे हेल्प की एल्फ की विद होमवर्क होमवर्क में इन वेरियस सब्जेक्ट्स अब हमें ये बता देना है कि जो सब्जेक्ट्स थे जैसे मैथ्स इंग्लिश वगैरह उसमें एलन को क्या हेल्प करना पड़ा या उसने क्या हेल्प की आप आंसर की एंडिंग देखिए कि आंसर पास्ट टेंस में आ रहा है या प्रेजेंट टेंस में तो इसके तरीके हैं जानने के अगर आंसर या क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो उसके लास्ट में जो हिंदी है वो है आता है ओके लास्ट वर्ड क्या होगा है लेकिन अगर आंसर या क्वेश्चन पास्ट टेंस में है ओके okay, तो उसके आंसर के लास्ट में या क्वेश्चन के लास्ट में जो वर्ड है वो था क्या किया गया हेल्प की लिखा पढ़कर बताया ऐसे वर्ड्स आप पहचान सकते हो ऑलराइट सो हाउ डिड एलन हेल्प एल्फ यहाँ पर डेड भी यूज़ किया गया है और डेड होने पर पास्ट टेंस होता है और राइट right. हम जब डिटेल में करेंगे ना इस पर वीडियो तो हम तब देख सकते हैं अदरवाइज़ आप जी पी एस के यूट्यूब चैनल पर भी एक वीडियो देख सकते हैं और राइट नाउ वी आर मूविंग फर्दर हाउ डिड एलन हेल्प द एल्फ विद होमवर्क इन वेरियस सब्जेक्ट्स तो हम देखते हैं इस आंसर को कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैसे हेल्प की राइट सी पार्ट ए थ्री एलेन रेड आउट फ्राम द बुक्स एलन ने तो एलन ने बुक्स से पढ़कर सुनाया अब ये स्पेलिंग लिखी हुई है आर ई ए डी ये होता है रीड मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया क्योंकि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है ठीक है सिंपल पास्ट में तो रीड की स्पेलिंग तो सेम ही रहती है लेकिन हम इसको बोलते हैं रेड जैसे आर ई डी रेड कलर होता है ना बोलेंगे इसको वैसे ही तो मैंने अंडरलाइन कर दिया आप भी ऐसे ही कर लिएगा अपनी आंसर नोटबुक uh, में तो एल एन ने पढ़कर सुनाया बुक्स में से ओके एंड द डिक्शनरी और डिक्शनरी में से टू हेल्प द एल्फ एल्फ की हेल्प करने के लिए ऑलराइट तो बुक्स चाहे मैथ्स की थी या किसी और सब्जेक्ट्स की थी उसमें से उसको पढ़कर सुनाया और वो फिर एल्फता रहा उसे ऐसी डिक्शनरी में से बताया ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन डी एलन डिड नॉट रियलाइज एलन को ये पता ही नहीं चला कैसे हाउ हिज एटीट्यूड टवर्ड्स वर्क एंड स्पेशली होमवर्क कि उसका सोचने का तरीका अपने होमवर्क या फिर वर्क को लेकर वॉज चेंजिंग वो बदल रहा था रैपिडली रैपिडली का मतलब फास्ट जल्दी से हाउ डिड दिस हैपन ऐसा कैसे हुआ ओके okay, मैं दोबारा क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ एलन ये समझ नहीं सका कि अपने वर्क और होमवर्क को लेकर उसका जो सोचने का तरीका था उसका व्यवहार वो कैसे चेंज हो गया राइट right. और वो जल्दी से चेंज हो रहा था ऐसा कैसे हो गया हमको ये बताना है चलिए देखते हैं सो लेट्स लुक एट द आंसर एंड चेक फोर्थ दैट इज डी पार्ट एलन स्टेड अप नाइट्स स्टेड सेकेंड फॉर्म स्टे की एलन रात को जागा एंड नेवर गॉट टायर्ड और कभी भी नेवर मीन्स कभी भी गॉट टायर्ड कभी भी नहीं नेवर मीन्स कभी भी नहीं गॉट टायर्ड थका तो एक तो वो रात भर जागा और कभी थका ही नहीं वर्क हार्ड उसने मेहनत की वर्क हार्ड का मतलब उसने मेहनत की एज एज का मतलब बिकॉज होता है क्योंकि ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़ क्योंकि उसने पढ़ाई में रुचि लेनी शुरू कर दी थी बहुत ध्यान से देखिएगा लास्ट के जो दो वर्ड्स हैं वो थोड़े बहुत क्लोज हो गए हैं स्टडीज़ है ये एस टी यू डी आई ई एस तो आप थोड़ा तो ध्यान दीजिएगा कि उसने पढ़ाई में अपने आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप कभी थकते हैं नहीं थकते हैं सपोज़ आप डांस अच्छी तरह से जानते हैं या आपको ड्राइंग करनी आती है तो आप बहुत सारा बहुत सारा काम अपने मन से कर सकते हैं और थकते नहीं हैं आप तो हमको अपने घर में भी कोई काम हो या फिर स्टडीज़ में क्योंकि हम बच्चों का स्टूडेंट्स का जनरली जो बड़ा काम है वो पढ़ाई में पढ़ाई का ही होता है तो हमको छोटे मोटे काम जो घर में एक आध चीज़ कभी करनी पड़ती है ठीक है वो और पढ़ाई पर बहुत ध्यान से इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहिए फिर हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कम से कम हेल्प की जरूरत पड़ेगी ऑलराइट, right. लेकिन आप एल्फ को नहीं बुला पाओगे क्योंकि आपको अपने आप ही करना है अपना होमवर्क ठीक है ऑलराइट, राइट सो लेट्स टेक अ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक हियर इट इज ई व्हाट लेसन डू बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी स्टोरी में से हमें कौन सा लेसन सीखने को मिलता है अब यहाँ लेसन क्या मतलब हुआ लेसन का मतलब हुआ कि हमें सीख क्या मिलती है सीख समझते हो ना कि हमने किस चीज़ को देख कर सुनकर पढ़ कर क्या सीखा लर्न का मतलब यहाँ सीखना होता है याद करना भी होता है इसका मतलब जानना भी होता है और सीखना भी और राइट कुछ बच्चों ने कार पर देखा होगा जो लोग सीख रहे होते हैं कार को चलाना तो वहाँ पर सबसे आगे वाले शीशे पर जहाँ पर जो शीशा फ्रंट होता है कार का जहाँ ड्राइवर चलाता है बैठकर जैसे आप चलाते हैं कोई भी तो वहाँ पर एल फॉर लर्नर लिखा होता है सीखने वाला रेड कलर से तो लर्न मीन्स सीखना और राइट right. जानना सीखना और याद करना अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब हो जाता है तो उसने तो हम इस लेसन से इस स्टोरी से क्या सीखते हैं क्या सीख मिलती है चलिए देखते हैं ओके लास्ट आंसर वी लर्न दैट हम सीखते हैं कि वी मस्ट स्टडी आवर कि हमको अपने आप ही पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए अपने आप करनी चाहिए अपने आप का मतलब क्या अगर हमें थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ रही है सपोज कहीं से तो वो तो इसमें कोई बात नहीं है लेकिन आपका होमवर्क आप ही करोगे ना नेक्स्ट एंड रेगुलरली और रोज़ाना करनी चाहिए प्रतिदिन विदाउट एनी ब्रेक तभी हमें कोई चीज़ आ सकती है इट मेक्स एवरी वन इससे क्या होता है हर कोई बन जाता है इंटेलिजेंट इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हम रोज़ाना अपना वर्क चाहे कोई भी हो लेकिन हम यहाँ पर स्टडी की बात कर रहे हो कि लेसन जो है वो होमवर्क पर और स्टडीज़ पर रिलेटेड है तो हमको जो स्टडी है वो अपने आप करने चाहिए यहाँ स्टडीज़ भी लिख सकते हैं आप एस टी यू डी आई ई एस प्लूरल जो होता है स्टडीज़ का मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स तो पढ़ाई अगर हम बोलेंगे तो हम इसमें स्टडी भी लिख सकते हैं हमें अपने आप आवर सेल्स अपने आप हम सब को पढ़ाई करनी चाहिए एंड रेगुलरली और नियमित रूप से करनी चाहिए रोज रोज़ इससे हर कोई इंटेलिजेंट हो जाता है और राइट सो यू कैन टेक अ लुक at all the answers. Now we will be moving to um, optional um, those questions which have some options in them. All right, to so over to the book. Here we are. Now, take the correct answer. Alan, इसमें से आपने बहुत सारे कर लिए होंगे, आप पाते भी होंगे. Alan loved doing homework, hated doing homework, ticked homework. इन तीनों में से क्या चीज़ पसंद थी कि शुरू में एलन को अच्छा लगता था होमवर्क करना या नहीं लगता था ओके तो हम आज हम इसमें बी को करेंगे बी को टिक मार्क कर लेंगे नेक्स्ट द मैन वॉज वेरी टॉल मीडियम हाइट वेरी टाइनी जो एल्फ मिला था वो उसकी हाइट कैसी थी वेरी टाइनी टी आई एन वाई टिनी नहीं बोलेंगे कुछ बच्चे गलती से टिनी बोल देंगे इसको क्योंकि टी आई एन टिन होता है टिनी नहीं होगा टाइनी टाइनी मीस वेरी स्मॉल बहुत छोटा सी इसका आंसर हो गया थर्ड पार्ट द एल्फ बिगैन टू क्लियर हिज क्लीन हिज रूम प्ले विथ हिम डू हिज होमवर्क एल्फ क्या करने लग गया सी पार्ट होमवर्क करने लग गया रूम तो साफ नहीं किया ना वो खेला तो सी पार्ट फोर्थ एलन एन वॉज नाउ अ मॉडल किट वंडर किट और फुल किट मॉडल किट होता है कि जिस ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छा करता हो और पूरी क्लास के सामने उसको हम शो कर सकें कि देखिए ये बच्चा आपके सामने एग्जाम्पल है क्योंकि इसने कोई काम बहुत बढ़िया किया है वनडर गिट होता है कि कोई एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत प्रतिभाशाली हो बहुत बढ़िया एक्सेलेंट हो ठीक है तीसरी बात ऑफुल वुल का मतलब जो अच्छा नहीं हो फाइन अच्छा नहीं का मतलब क्या हुआ जो कोई जो ठीक से कुछ नहीं कर पा रहा हो और बार बार हमेशा ही गलत करता चला चलाता उसे ऑफुल बोलेंगे ऐसा तो आप में कोई बच्चा है ही नहीं और राइट चलिए फिर हम नेक्स्ट वाले पार्ट को करते हैं टिक द करेक्ट मीनिंग अब इसमें हमने वर्ड का मीनिंग देखना है कि क्या है और उसके करेक्ट मीनिंग पर टिक मार्क लगा देना है फर्स्ट आया हेट सॉरी लोड देखिए इसको बोलने में ही थोड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी लो तो इसमें लास्ट में डी आ रहा है ना इसको हम पूरा नहीं बोल सकते लोड देखिए आप मुंह में ही आवाज रह जाती है इसका मतलब है हेट ओके लोड का मतलब हेटेड नफरत की सेकेंड ग्रेमिस्ट ग्रेमिस्ट का मतलब होता है शक्ल बनाना अपनी अगर आप नाराज हो गए किसी बात से तो थोड़ा सा नाराज चेहरा बनाकर सिकोड़ लेना सेकेंड बोलते हैं फ्राउन क्या गुस्सा हो गए अच्छा नहीं लगा सेकेंड पार्ट आएगा फ्राउन जैसे ब्राउन होता है ऐसे फ्राउन तो थर्ड वन इज श्रीप्ट श्रीट का मतलब होगा चिल्लाना कैसे जोर से तो जोर से चिल्लाया इसका मतलब हो जाएगा कौन सा पार्ट हुआ फिर इसमें जोर से चिल्लाने वाला लाउड क्राई ठीक है तो लाउड क्राई वाला इसमें आप पार्ट कर दीजिए नेक्स्ट इज़ वेरी डब्ल्यू ई ए आर वाई फिर मैं बताऊंगा इसको वेरी नहीं बोलना है दिस इज़ वेरी जैसे डब्ल्यू एच ई आर ई होता है ना वेयर वेयर आर यू गोइंग सो दिस इज़ वेरी का मतलब थका हुआ और राइट तो यहाँ थका हुआ की इंग्लिश है एग्जॉस्टेड ये अच्छा वर्ड है आप नोट कर सकते हैं टायर्ड इसका मतलब है ई एक्स एच ए यू एस टी डी एग्जॉस्टेड तो इस पर आप टिक कर लीजिए एग्जॉस्टेड के बाद द नेक्स्ट वन इज ग्रैफ्ट ग्रैफ्ट का मतलब क्या होगा कस कर पकड़ लिया या पकड़ लिया और राइट कुछ वीडियोज़ में मैंने बोला हुआ है कि ग्रैब ग्रैब योर पेंसिल और अ पेन तो उसका मतलब ये होता है कि पकड़ लीजिए या ले लीजिए बोलते समय हम उसको जब हम सिर्फ बात कर सकते हैं तो उसका एक और मतलब होता है बातचीत में किसी चीज़ को ले लेना जैसे ग्रैब अ चेयर एक चेयर ले लो ओके लेकिन जब हम लिखेंगे तो तब इसका मतलब क्या आएगा पकड़ लेना जैसे कॉट आपने किसी ने आपकी तरफ एक पेन फेंक कर पेन फेंका आपने उसको ग्रैब कर लिया आप सपोज थोड़ा सा हिलकर गिरने लगे आपने कुछ आ, डेस्क पकड़ लिया तो आपने ग्रैब कर लिया दैट्स ओके सो हमने इस एक्सर को कम्प्लीटली कर लिया है और आप अपनी नोटबुक में इसको आंसर्स को लिखना है सिर्फ यू नीड टू राइट ओनली द आंस क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज ए बी सी डी ई इन आंसर्स को आपने नोटबुक में नहीं करना है इसको सिर्फ अपनी बुक में ही टिक मार करना है क्योंकि ये एम सी क्यूज़ हैं इनके आंसर्स को बुक में ही करेंगे ऑल राइट सो आई होप दैट यू हैव बिन एबल टू अंडरस्टैंड मुझे उम्मीद है कि आप समझ समझ पाए हो समझ गए हो सो आई विल कैच्यूलेटर ऑन ओके टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ कीप स्मिंग बी हैप्पी थैंक यू सो वेरी मच